अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और उनके परिंदे भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, अब आप लोगों को पता है कि कोयटा का कैसा मौसम है, इस वजह से जो है अभी तक मैंने प्लास्टिक वगैरह भी अपने परिंदों को नहीं उतारा है। और सुबह कच्चे में देख सकते हो आप लोग पानी वगैरह निकाला, कैसे आवाज़ें लगा रहे। अभी मैंने इनके लिए पानी भी लाया, अभी इनके लिए पानी वगैरह भी डालेंगे और कैसे प्रोसेस सिस्टम, कौन से मेडिसिन देना है वगैरह देना है, सब आप सबको इंशाल्लाह बताऊंगा। जी हाँ, ये दोस्तों देख सकते हैं हीटर वगैरह भी लगाया है क्योंकि अचानक मौसम भी चेंज हो गया। आज माशाल्लाह से तीसरा रोज़ा भी है तो अभी परिंदे सारे प्यार से देखो। सर्दी की वजह से हम लोग पानी रात को निकालते हैं 8 बजे, गर्मी में आप फिर भी असर की नमाज के बाद फिर आप उसके मटके वगैरह आप निकाल कर धो सकते हो, इनके ताज़ा पानी डाल सकते हो। सर्दी में जो है आप रात को निकालो पानी और सुबह इनके लिए ताज़ा पानी डालो। इस टाइम जो है पानी में आपने क्या मिलाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मौसम अचानक ही चेंज हो रहा है आजकल। आपने इनके लिए दवाई वगैरह भी मेडिसिन देना है, खाम खा देना है क्योंकि अगर नहीं दिया ना फिर इनको बीमारी वगैरह लग सकता है, तो इस वजह से आपको वो काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। सबसे पहले करते हैं हीटर को बंद क्योंकि अभी पानी डालना है ना, तो अगर इसके ऊपर गिर गया तो खुदा न खास्ता इलेक्ट्रिसिटी है, बंदे को पकड़ भी सकता है। इस तरह आप इसको निकाल कर एक साइड पे कर दें ताकि आसानी हो जाए पानी डालने में और परिंदे को भी पानी डाल दें। हम लोग देख सकते हैं माशाल्लाह बच्चे निकाला है सब ने, ये मटकी हो गई देखो उनके बच्चे, अभी इनके लिए पानी वगैरह डालेंगे तो इनको खुराक भी देंगे। ये मेरे मेडिसिन मैंने रखा हुआ है पैनाडोल, ये आपने खाम खा देना है हफ्ते में या महीने में एक बार दो बार आपने खाम खा अपने परिंदों को देना है क्योंकि इससे बच जाते हैं, सौकड़ा वगैरह में नहीं लगता है इनसे। एक बार एबोरामेसिन टेबलेट ये भी लाजम है आपके शेड में होना चाहिए। और एक ये एंटीनेजोल ये भी आपने अपने शेड में खाम खा रखना है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी दवाई है, अगर ये आप नहीं रखोगे तो फिर आपका ही नुकसान होगा। जो जो बड़े बड़े शौकी अगर मेरा वो लोग देख रहे तो उनको खूब पता होगा कि किस चीज़ के लिए दवाई होता है। अभी पानी में डालते हैं फिर आप सबको इशारा दिखाते हैं सही। अभी भी पानी में हम लोगों ने दवाइयाँ वगैरह डाल दिया, आपने अपने जितने परिंदे उस हिसाब से आपने पानी ले लिया उसी हिसाब से आपने दवाई डालना है। मेरे तो माशाल्लाह काफ़ी परिंदे और मुर्गियाँ भी है तो एक टीन में पानी लाता हूँ घी वाला, तो उसमें एक एक लकना दवाई डालता हूँ और एक फाइबरामाइसिन का कैप्सूल खोल कर पाउडर डालता हूँ। तो अभी मिक्स करते हैं फिर परिंदों को डालते हैं, देख कैसे पीते हैं। ये मैंने लाया था क्रोमो, फिर मैं एक बार गया था रेस्टी का रेडाइट छोड़ा है वो भी बगैर क्रोमो नहीं है, ऐसे सादा है सिंपल। अभी देखते हैं स्प्रिट लेते हैं कि कौन सा बच्चे निकल रहे हमारे साथ, और क्रोमो निकलते हैं या सिंपल सादा निकलते। अभी मैंने पानी इनके ऊँटों में डाल दिए, अभी इनके लिए भी डाल दिए, अभी रखते हैं इंशाल्लाह देख के आप कैसे पीते हैं। निकालने का फ़ायदा यही है कि इनको ज़्यादा प्यास लगता है तो अब जब रखते हो पानी फिर ज़्यादा सही पीते और जो बैक्टीरिया बीमारी वगैरह होती है सारा ख़त्म ही हो जाती है। देखिए अभी कैसे जल्दी आता है नीचे पानी, अभी इसके लिए रख दिए, अभी इनके लिए भी रखेंगे इनके माशाल्लाह बच्चे सारे एयर का आया हुआ है तो इनको ज़्यादा प्यास लगते हैं, इनका भी पानी रखेंगे। ये पानी आ गए इनके लिए भी, अभी देखे ये बच्चे एक ऊपर है रेडाइज और बाकी 6 दाने अंदर है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, मेरा लवाल होगा और एक नए टॉपिक के साथ। जो अभी मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।